नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के धार में मां भाग्य देवी की चुनरी यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के वातावरण में संपन्न हुई। जयपुर के लंगड़ी माता मंदिर से प्रारंभ हुई लगभग 5 किलोमीटर की लंबी यह चुनरी यात्रा को रोकने का प्रशासन ने पूरा प्रयास किया, परंतु हजारों की संख्या में मात्र शक्ति और पुरुष इसमें जो सहभागिता कर रहे थे वह दृढ़ संकल्पित थे इस बात को लेकर कि मां को चुनरी चढ़ाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और मात्र शक्ति ने और पुरुषों ने मिलकर यह मां को चुनरी अर्पित की। भोजशाला पहुंची यह चुनरी यात्रा, मां भाग्य देवी को उन्होंने चुनरी अर्पित की और हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में आयोजित होने वाला यह जो कार्यक्रम है गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संपन्न हुआ। संकल्प लिया गया कि भोजशाला मुक्त हो और मां भाग्य देवी की पुनर्स्थापना इस परिसर में हो। धार से हमारे जो एलएनबी टीवी के संवाददाता हैं ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट इस संबंध में एलएनबी टीवी को दी। आइए देखते हैं एलएनबी टीवी के माध्यम से क्या हुआ धार में, किस प्रकार यह भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया, किस प्रकार यह चुनरी यात्रा संपन्न हुई। देखते हैं एलएनबी टीवी की यह विस्तृत रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार में चुनरी यात्रा निकाली गई। लगभग 5 किलोमीटर की यह चुनरी यात्रा मां भाग्य देवी मंदिर पहुंची, जहां भक्तों ने चुनरी माता जी को चढ़ाई। प्रशासन ने इसे रोकने का पूरा प्रयास किया, परंतु भक्तों ने भी अपने दृढ़ संकल्प को पूरा किया। ज्ञात हो कि हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी मंगलवार को लंगड़ी माता मंदिर जैतपुर से 5 किलोमीटर की लंबी विशाल चुनरी यात्रा प्रारंभ को नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भोजशाला परिसर पहुंची और मां भाग्य देवी को परंपरा अनुसार चुनरी हिंदू जनों द्वारा चढ़ाई गई। चुनरी यात्रा का नगर में जगह जगह समाज जनों का स्वागत किया गया। हिंदू जागरण मंच के जिला मंत्री, महामंत्री व चुनरी यात्रा प्रभारी दीपक गौड़ ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा में इस दौरान सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर, मंडी अध्यक्ष प्रभु राठौर, हिंदू जागरण मंच के नेता गोपाल शर्मा सहित अन्य समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे। इस संबंध में एलएनबी टीवी के संवाददाता ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने विस्तृत रिपोर्ट एलएनबी टीवी को भेजते हुए जो आयोजक हैं उनसे चर्चा की। मंदिर जयपुर 51 मीटर लंबी थी, इसके अंदर करीब करीब 5000 शक्ति ने भाग लिया और ये 5 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा थी। बहुत सारा मंदिर के अंदर चुनरी में लाने के लिए प्रशासन हमेशा जब भी हिंदू कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ पर हिंदुओं पर रोक लगाता है, तो उसकी आदत बनी हुई है, उसकी दमनकारी नीतियों को केवल हिंदुओं के ऊपर लागू करता है, ये अन्य संप्रदाय के लोगों पर लागू नहीं होती है। और इसीलिए शासन हमको दबाता है और आज आचार संहिता का हवाला देते हैं, चुनरी यात्रा को बाहर रोक लिया गया। आपका नाम?
हेमंत दौरा महामंत्री भोजोत्सव समिति था। ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।